أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم معزز ومكرم حاضرين भाई, तू बगैर रोजे के नमाज पढ़ लिया कर और जो तू काम करता है वो कर।
वादा कर कि नमाज पढ़ेगा। उसने वादा कर लिया कि जो मैं वादा करता हूँ कल सुबह से मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। हजरत उसको समझा करके चले गए और मस्जिद में जाकर के अल्लाह से खूब रो रो कर दो रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह तेरे बंदे को यहाँ तक तो ले आया हो, अब वजू कराना तेरा काम है। अब अगला दिन आता है, उस नवाब साहब को अपना वादा याद आता है, वो अपने घर से निकलता है। उसके दिमाग के अंदर बात आती है, यार तू पहली मरतबा अल्लाह के घर में जा रहा है, आज तू तो वजू कर ही ले। तो फिर उसके जहन में आती है, तू आज वजू नहीं गुसल कर। फिर वो गुसल करता है और गुसल करके मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है। तो रोजाना जब वो घर से निकलता है तो जहन के अंदर ये बात आ जाती है कि यार कितनी देर लगेगी, कितना वक्त लगेगा कि वजू कर ले। वजू करता है, नमाज पढ़ता है, वो नमाज का पाबंद बन जाता है, पांच वक्त की नमाज पढ़ता है। एक दिन आता है वो बिल्कुल पक्का सच्चा नमाजी बन जाता है और हर बुराई उससे छूट जाती है, हर गुनाह से वो दूर हो जाता है। इसी तरीके से नमाज हर बुराई से रोकती है, हर गुनाह से नमाज रोकती है। तो मेरे भाइयों, आज आप हम बुजुर्गों सोचो, आज का नौजवान कितनी नमाजें पढ़ रहा है, कितने वक्त नमाज पढ़ रहा है। बाज़ आदमी हमारे यहाँ पर ऐसे है जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जुमे के दिन मस्जिद में आते हैं और दो रकात नमाज पढ़ के भाग लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने इस्लाम पर और अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। याद रखो, जो आदमी जुमे के दिन मस्जिद के अंदर आता है और दो रकात नमाज फर्ज पढ़ के भाग लेता है, वो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो अल्लाह को धोखा दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ दो रकात नमाज फर्ज ही नहीं की बल्कि उसके साथ सुन्नतें भी है, नवाफिल भी है, उनको भी अदा करना जरूरी है। इन सुन्नतों और नवाफिलों का नुकसान क्या होता है? इनका नुकसान ये होता है कि जब बंदा सिर्फ फर्ज अदा करता है और नवाफिल को सुन्नतों को छोड़ देता है तो एक दिन आता है उससे फर्जों की भी दौलत छीन ली जाती है, फिर वो फर्ज भी अदा नहीं करता। और जब आदमी फर्ज भी पढ़ता है, सुन्नतें भी पढ़ता है, नफले भी पढ़ता है, तो उसका फायदा यह है, उलामा कहते हैं कि उसकी नमाज के अदा होने का पता चल जाता है। किस तरह नमाज, यानी कि आज हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमको ये पता कैसे चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई या नहीं? तो उलामा कहते हैं कि इसका नमाज का पता इस तरीके से चलता है कि अगर हमने फजर की नमाज पढ़ी और हमको ज़ोहर की तौफीक मिल गई तो समझो कि हमारी फजर की नमाज कबूल हो गई, और अगर हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी उसके बाद असर की तौफीक मिल गई तो समझो कि हमारी ज़ोहर की नमाज कबूल हो गई। इस तरीके से नमाज कबूल होने का पता चलता है। तो आप सोचिए, आप कितने वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं? आज का नौजवान को जमात वाले जाते हैं देख करके उन्हें छुप जाते हैं, यार के पकड़ के ही ले जाएंगे। तब मैंने देखा जमात के साथ ही गए तो एक आदमी खड़ा था, उसने कहा कि यार ये तो लेकर ही जाएंगे, इसलिए मैं छुप लेता हूँ, छुप गया। ऐसे ऐसे नौजवानों के आजकल के हालात है। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर के नमाज को छोड़ा गोया उसने कुफ्र किया, और जिसने कुफ्र किया उसका ठिकाना जहन्नम है। याद रखो, जो आदमी जानबूझकर के नमाज छोड़ता है वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कह रही है, दूर से शोर मचा रही है, अल्लाह के नबी मूसा, अल्लाह के नबी मूसा, मुझसे गुनाह हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि औरत बता तो सही तुझसे क्या गुनाह हुआ है? वो कहती है, अल्लाह के नबी मूसा, मुझसे जिना हो गया था, फिर मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसको कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक कमबख्त औरत, तूने इतना बड़ा गुनाह किया है, दफा हो जाए यहाँ से, कोई तेरी नहुसत से मुझ पर आजाब ना आ जाए। वो औरत रोती हुई मायूस होकर के वापस चली गई। उसके बाद जिब्रील अमीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और कहा कि मूसा, किसने कह दिया इससे बड़ा गुनाह नहीं है? इससे बड़ा गुनाह ये है जानबूझ करके नमाज को छोड़ना। आप सोचे, आप जानबूझ कर ही तो नमाज छोड़ रहे हैं। जानबूझ करके नमाज छोड़ना अदल करना और जिना करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए और नमाज का पाबंद बनाए। तो मेरे भाइयों, हम सबको मरना है, हम सबको मरना है, इस मिट्टी में जाना है, कब्र के अंदर जाना है। और देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे हैं
बल्कि वो नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, नमाज का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि नमाज पांच वक्त की फर्ज है और हम कभी दो की पढ़ लेते हैं, तीन की छोड़ देते हैं, तीन की पढ़ लेते हैं, दो की छोड़ देते हैं, नमाज नहीं बल्कि नमाज का मजाक है। इसी तरीके से जब आदमी कयामत के दिन फरिश्ते उससे हिसाब लेंगे, सवाल करेंगे, तो आदमी वहां पर ये कहे कि मैंने 10 हज किए हैं, तो फरिश्ते ये कहेंगे कि भाई 10 हज एक साइड में रख, पहले ये बता नमाज कितनी पड़ी। आदमी ये कहे कि मैंने बहुत सारा अल्लाह का जिक्र किया है, मैंने बहुत सारी तस्बीहात पढ़ी है, तो फरिश्ते ये कहेंगे कि ये तस्बीहात और ये जिक्र एक साइड में रख, पहले ये बता तुमने नमाज कितनी पढ़ी। वहां पर आदमी ये कहे कि मैंने बहुत सारा सदकात खैरात किया है, तो फरिश्ते ये कहेंगे कि सदकात और खैरात एक साइड में रख, पहले ये बता तुमने नमाज कितनी पढ़ी, क्योंकि नमाज फर्ज है। और आका ने ये भी फरमाया कि अगर जिस आदमी का हिसाब पहला हिसाब आसान हो गया, उसके तमाम हिसाब आसान हो जाएंगे, और जिसका पहले ये हिसाब में फरिश्तों ने टैटवा पकड़ लिया, उसको अल्लाह के अजाब से, जहन्नम की आग से और फरिश्तों की मार से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे भाइयों, नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो, पांच वक्त की नमाज फर्ज है तो पांच वक्त की नमाज अदा करो। मैं ये कह रहा था कि आदमी, हम सबको मरना है और हम सबको इस मिट्टी में जाना है, तो मेरे भाइयों, ये जो मिट्टी है ये बेनमाजी से बेइंतहा डरती है। देखिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है। अब आपने देखा होगा कि कोई चीज जमीन पर गिर जाए तो फिर वो वापस नहीं करती बल्कि उसको चूस लेती है। एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है और वो जमीन उस तेल को चूस लेती है। वो बूढ़ी अम्मा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाती है और जाकर के कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, इस जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है, मुझको मेरा तेल वापस कराओ। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक पर्ची लिखते हैं और उस बुढ़िया को देते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा, इस पर्ची को उस जगह रख देना जिस जगह तुम्हारा तेल गिरा है। अब वो बुढ़िया जाती है वहां पर और उस पर्ची को उस जगह पर रख देती है। अब उस जगह पर रखने के बाद अजीब मामला होता है, जमीन सारा तेल वापस कर देती है। अब लोग हैरान है, परेशान है कि यार उस पर्ची में ऐसी कौन सी बात लिखी है जो नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। अब पर्ची खोल करके देखते हैं, उसके अंदर लिखा रहता है कि जमीन, या तो उस बुढ़िया का तेल वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरे अंदर बेनमाजी को दफन करूंगा। आप सोचे, हमको जाना कहा है इस मिट्टी के अंदर, कब्र के अंदर हमको जाना है, और ये जमीन इतना डरती है बेनमाजी से, इतना घबराती है कि मेरे भाइयों, हम सबको इस दुनिया से जाना है, कब्र के अंदर जाना है। हर आने वाला दिन हमारा, हर आने वाली घड़ी हमारी, हमको मौत से नजदीक करती जा रही है। हमारा हर उठने वाला कदम हमको कब्र के नजदीक करता जा रहा है, और ऐसे वक्त में जब वक्त कम हो और मुकाबला सख्त हो, तो फजूल चीजों से दिल लगाना एक बहुत बड़ी हिमाकत की बात है। शायर कहता है ना, घट हो रही है उम्र मिथले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिथले बर्फ कम, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता दम बदम। ये जो इंसान की जिंदगी है ये बर्फ की मानिंद है, बर्फ की तरह है। बर्फ आदमी को महसूस नहीं होता किधर से घूम रहा है, वो घूम जाता है सारा, दिखाई तो नहीं देगा ना, सारा भूल जाता है, खत्म हो जाता है। तो इंसान की जिंदगी भी इसी तरह है, इंसान की जिंदगी कम होती जा रही है, घटती चली जा रही है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। तो एक दिन आएगा इंसान भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ अच्छे अमाल, नेक अमाल और ये नमाज ही काम आएगी, और कुछ आदमी के काम नहीं आएगा। और अल्लाह सिर्फ नेक अमाल को देखता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह न तो तुम्हारी शक्लों को देखता है, न तुम्हारे माल को देखता है, सिर्फ अल्लाह देखता है तुम्हारे अमाल को, तुम्हारे दिलों को। अब ये नेक अमाल भी हमारे काम आने वाले हैं, इसके अलावा आखिरत में हमारे कुछ भी काम आने वाला नहीं है। देखिए हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है और उसको दफन कर दिया जाता है, दफन करने के बाद अगर वो आदमी बुरा होता है तो उसकी कब्र का एक कोना पड़ता है, उससे बहुत बदसूरत आदमी, बदशकल आदमी, बदबूदार आदमी, बहुत बेकार, बहुत गंदे कपड़े पहने रहता है और उसके अंदर से बहुत बुरी बदबू आती रहती है। वो आता है, आने के
बाद वो आदमी जिसका इंतकाल हुआ था उसे देख कर डर जाता है, घबरा जाता है, वो हैरत में आकर उसके उससे पूछता है कि भाई तू कौन है, तो वो जवाब देता है अन्ना अमलुका खबीस, मैं तेरे बुरे आमाल हूँ, अल्लाह ने तेरे बुरे आमालों की शक्ल में मुझको तब्दील कर दिया है और अब मैं कयामत तक तेरे पास रहूंगा और तुझको परेशान करूंगा। और हदीस शरीफ के अंदर आता है कि उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी एक जानिब की पसलियां दूसरी जानिब की पसलियों में घुस जाती है। इसी तरीके से जो आदमी नमाजी होता है, नेक होता है, अच्छे आमाल करके इस दुनिया से जाता है तो उसकी भी कब्र पर कोना पड़ता है और उससे बहुत खूबसूरत, बहुत अंदर लिबास पहने हुए, बहुत अच्छी खुशबू उसके अंदर से आती है। एक आदमी आता है और वो आकर के उस आदमी को जिसका इंतकाल हुआ है सलाम करता है और सलाम करने के बाद वो आदमी जिसका इंतकाल हुआ है सलाम का जवाब देता है, उससे पूछता है कि भाई तू कौन है, वो कहता है अना अमलुका सालिहा, मैं तेरे अच्छे आमाल हूँ, अल्लाह ने तेरे अच्छे आमाल को मेरी शक्ल में तब्दील कर दिया है, अब मैं तेरे तकवाई को दूर करूंगा और कयामत तक तेरे पास रहूंगा, तेरा दोस्त बन के रहूंगा। और हदीस शरीफ के अंदर आता है कि एक खिड़की जन्नत की उसकी तरफ खोल दी जाती है, इससे वहां की हवाएं और वहां की खुशबू उस कब्र के अंदर आती रहती है और उसकी कब्र को इतना छोटा कर दिया जाता है, ताहते नजर नजर जहां तक कि उसकी नजर जा सकती हो उसको छोटा कर दिया जाता है, वसी कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, हम सबको भी मरना है, हम सबको भी दुनिया से जाना है। दोनों जवानों, आप नमाज के पाबंद बनो, पांच वक्त की नमाज हम पर फर्ज है तो ये पांच वक्त की नमाज अदा करो। अल्लाह रब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुव्वतु आइनी फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और जिसने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाई उसका ठिकाना क्या होगा, जन्नत में जाएगा वो, क्योंकि आका का क्या है कुव्वतु आइनी फिस्सला के नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी कि जब कोई उम्मती कोई अल्लाह का बंदा नमाज अदा करता है तो आका की आंखों को ठंडक पहुंचाता है और फिर अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों और जवानों, कुछ हमको करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, जब जाकर के हमारा बेड़ा पार होगा, ऐसे बैठे रहने से, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहि रहमतुल्लाह तआला एक मरतबा अपने बादशाह तख्त पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि काश मैं भी नमाजी होता, मैं भी अल्लाह वाला होता, मुझसे अल्लाह खुश होता। ये सोच ही रहे थे, अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। उसे हैरत में आकर के पूछते हैं कि भाई छत पर कौन है और इस वक्त क्या कर रहा है, तो आवाज आती है कि मैं फला हूँ और अपना ऊंट तलाश कर रहा हूँ। तो हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह तआला कहते हैं कि भाई तुझे छत पर ऊंट कैसे मिलेगा, इस वक्त अरे अहमद तुझको छत पर ऊंट कैसे मिल सकता है, तो आवाज आती है जब छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो बिस्तर पर लेटे लेटे खुदा कैसे मिल सकता है। तो मेरे भाइयों, हमको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह तआला एक बुजुर्ग है, उनकी खिदमत में चले जाते हैं और वहां से अल्लाह के नेक बंदे बनकर आते हैं, बहुत बड़े बड़े गुजरे हैं। फिर जब वो आते हैं तो उनसे कहते हैं कि लोग भाई अपनी बादशाहत वापस ले लो, तो कहता है, वो कहते हैं कि खुदा की कसम मुझे इतना मजा पूरी जिंदगी में नहीं आया जितना मजा मुझको एक मरतबा अल्लाह अल्लाह कहने में आया है। मेरे भाइयों, आप सब नमाज की पाबंदी करें, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नमाजी बाअमल बनाए और खुशू और खुशू के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और जन्नत में जाने वाले अमाल करते रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने खुशी वाले अमाल करते रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने नाराजगी वाले और बुरे अमलों से जहन्नम में ले जाने वाले अमलों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।